अगस्त की रात को बेटी मेरी फौत हो गई है। वल्ला आलम इन्होंने की किया की नहीं किया। 31 अगस्त को दिन 8 बजे ने सानू कॉल की कि सुती नहीं उठती पी सुती नहीं उठती पी। तो असी सुबह जो उत्थे इत्थे पहुंचे तकरीबन 12-1 बजे इत्थे जो पहुंचे असी हालात वेखे ने। हालात के नाल नाल इन्होंने अगो कबर भी कढ़ाई हुई सी। सारा मामला उतले भी वेख के वेखी खड़े सी। निशान गले ते भी हैगे सी। आप बाजू भी टुटे आया सी उनदा मेरी बेटी दे गले ते भी निशान सी। गले साफा भी पाया सी। गला भी कुटिया आया सी। आ बाजू भी टुटिया आया सी उनदा। मारदा कुटदा भी रहा ते गला कुटिया। गल च साफा भी पाया। माजी मैंने दसो कि जदों तुसीं अपनी बच्ची दी हालत देखी कि उनदा बाजू भी टुटिया होया गला गले दे निशान ने इलाहाबाद के इलाका बेड़ सोडिया का एक कब्रस्तान है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर एक लड़की की कब्र कुशाई होती है जो के दो बच्चों की माँ थी और उसका शोहर ही उसको कत्ल कर देता है। मेरे साथ उस लड़की के वालदैन मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी बेटी को कत्ल करने की क्या वजह बनी, किसने कत्ल किया है और ये सारा वाकया है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी की नाम दादा? अल्लाह इता जी। मैंने दसो कि तुम्हारी बेटी की अज कबर कुशाई हुई है, किन्ने कत्ल किया है, सारा वाकया की है? वो तो शौहर ने कत्ल किया जी। शादी नु कितनी देर हो गई सी? शादी नु हो गए 4-4.5 साल। ठीक सी मामला? हाँ जी। यानी कि जिथे तुसी शादी की थी, वो तुहाडे रिश्तेदार सी या नोक सी? नोक है गए सी। रिश्ता किने करवाया सी? रिश्ता मेरी अमशीरा ने कराया सी। उस तो बाद किस तरह के मामलात और किस तरह की उन्हें जिंदगी गुजरती सी? उस तो बाद इस मामलात है गए सी कि 10 दिन साढ़े को बेटी रहती सी, 2 दिन इन्हों को रहती सी। भी नशा करता सी मुंडा, 10 दिन साढ़े को रुसके रहती सी, 2 दिन इतने वो जाते सी लै आते असी कला देंगे सी, फिर उत्थे चली जाती सी, 2-4 दिन इतने रहना फिर साढ़े को चली जाती सी। इस तरीके मामलात चलते रहने। अच्छा, जब आप लोगों ने शादी की है उस टाइम आप लोगों को पता था कि ये बंदा नशा करता है या बाद में पता चला? बाद में पता चला नशा करता था। हाँ जी। और फिर उसके बाद वो बंदा लाहौर कैसे गया और जाके उसने वहाँ पे कत्ल किया उसको? कत्ल इतने पेड़ सोड़ियाँ किया है। अच्छा, इतने किया है कत्ल? हाँ जी। उस बाद उन्होंने पूरी फैमिली लाहौर गई है? हाँ जी, पूरी फैमिली उन्होंने लाहौर नहीं, असी इतने आए हैं पेड़ सोड़ी। सानू उन्होंने कॉल की थी, असी इतने आए हैं। तुसी बेसिकली कितों दे रहने वाले हो? बेसिकली असी पाग बदन दे रहने वाले हैं। काम असी लाहौर करने हैं। अच्छा, लाहौर काम करते हो? हाँ जी। जिस दिन तुहाडी बेटी की डैथ हुई है उस दिन तुहानू किन्ने फोन करके बुलाया सी और जो तुसी गए हो की कंडीशन की सी? ये गए ने साढ़े को पहले एक अद्धा आया दूसरा आया। 20 अगस्त को गए ने, बेटी मेरी रुसी हुई सी। अच्छा। 20 अगस्त को गए ने, इन्होंने उठा के लिया उतों। अगो 30 अगस्त की रात को बेटी मेरी फौत हो गई है। वल्ला आलम इन्होंने की किया की नहीं किया। 31 अगस्त को दिन 8 बजे ने सानू कॉल की कि सुती नहीं उठती पी सुती नहीं उठती पी। तो असी सुबह जो उत्थे इत्थे पहुंचे तकरीबन 12-1 बजे इत्थे जो पहुंचे असी हालात वेखे ने। हालात के नाल नाल इन्होंने अगो कबर भी कढ़ाई हुई सी। सारा मामलात इन्होंने सीधे किए हुए सी। तुहाडे आने तो पहले सारे मुकम्मल इंतजाम गल करन दा मौका ही नहीं आना? हाँ जी, गल करन दा मौका नहीं। असी अपनी बेहोशी की हालत में हैगे सी। इन्होंने उमें जल्दी जल्दी इन्होंने दफनाण की की है। विचों जो साढ़े रिश्तेदार पहुंचे किसी ने आख्या भी कुड़ी मारी गई है, किसी ने आख्या अपने आप मर गई है। एक कशमकश के कुड़ी इन्होंने दफना दी। ठीक है। अगो दूसरे दिन इन्होंने सानू कॉल करके साड़ियाँ गल्लां बातां होंदियां ने, दूसरे दिन इन्होंने कॉल करके कहा कि कुड़ी असां मारी है। किस बंदे ने तुहानू कहा सी? उहदे भाई ने कहा सी असी कुड़ी मारी। हाँ जी। तो फिर कॉन्फ्रेंस के गल मेरे इदमाद की भी हुई मेरे नाल, उन्हें भी कहा कि मैं मारी है। आडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे को मौजूद हैगी। जदों उन्हें गल की जारी गल उस रिकॉर्डिंग दे विच ये चीज़ उन्हें वाजिया दसी है कि मैं उन्हें कतल किया मारिया है, लेकिन उन्हें वजह नहीं दसी किस वजह तो मारिया? कोई वजह नहीं दसी। उन्हें आख्या कोई मामलात नहीं। मैं वजह दस मैंने, उन्हें आख्या कोई वजह नहीं सी। मैं रात आखिर उठा 12 बजे, मैं पानी पीता, पानी पी के मैं गलों दबा दता। उस तो पहले लड़ाई झगड़े सी घर के? हाँ जी, लड़ाई झगड़े तो अक्सर ही उन्होंने रहा सी, नशा जू करता सी। शादी में टोटल कितना अरसा हो गया? 4.5 साल। 4.5 साल। 4.5 साल के कितनी दफा तुहाडी बेटी जी तुहाडे कोल घर लड़की है, यानी कि लड़ाई होने तकरीबन 4.5 साल के 1.5 साल उन्हें इतने सहुरियां तक कट्टे होने, 3 साल साढ़े को। बच्चे किन्ने ने? 2 बेटी एक बेटा। एक बेटी एक बेटा। हाँ जी। वड्डी बेटी है कि बेटा है? वड्डी बेटी है, खलोती मेरे नाल। मैंने दसो कि उस बाद तुसी केस किया है कबर कुशाई वास्ते? हाँ जी। क्या तुहानूं वाकई ही लगता कि तुहाडी बेटी का कतल किया गया? हाँ जी, सानूं वाकई ही लगता। जदों उन्होंने गल्लां दसियां ना, सानूं वाकई ये तस्लीम हो गया कि इकरार किया उन्होंने, सानू तस्लीम हो गया कि सानू इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। असी केस किया, सानू इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। तुसी अपने इंसाफ वास्ते की कहना चाहोगे? असी अपने इंसाफ वास्ते हुकूमत दे ही कहांगे कि सानू अल्लाह ताला दी ज़ात इंसाफ देवे, हुकूमत सानू इंसाफ देवे। मैंने दसो कि बहुत सारे लोग जिहड़े ना जदों बेटी का रिश्ता करन वास्ते किसी नूं कहिंदे ने, जिवें कि वेखो ना तुहानूं शादी तो बाद पता चलिया है कि
वो बंदा नशा करता सी। की कहना चाहोगे कि क्या जिहड़े लोग गलत बयानी करते हैं उन्होंने इस तरीके करनी चाहिए कि एक बेटी की जिंदगी तबाह हो गई, उनके बच्चों की जिंदगी तबाह हो गई? ये तो जो मुस्तकबिल ही खराब हो गया सारा, घर का निजाम ही सारा, इस तरीके नहीं करनी चाहिए, किसी की बेटी नाल भी नहीं करनी चाहिए इस तरीके। माँ जी तुम मैंने दसो कि तुहाड़ी बेटी सी, की कहना चाहोगे किवें उन्होंने कतल किया गया और जिस टाइम तुम उन्होंने घर गए बच्ची की कंडीशन थी? बच्ची का गला दबाया असं इतने जब आए अं 12 पिछले टाइम से 31 तरीक का दिन लैके आए हैं, फोन किया भी तुहाडी बेटी सुती नहीं उठती, तो असं आए हाँ तो अगों भी बंदे उतले भी वेख के वेखी खड़े से भी निशान गले ते भी है, आप आप बाजू भी टुटे आया असं उनका जो हाँ सन टुटे आया अं उसल देन लग्या भी वेख्या है, मैं खुद आप वेख्या उसल देन लग्या, मेरी बेटी दा गले ते भी निशान सी, गले साफा भी पाया सी, गला भी कुटिया आया सी, आप बाजू भी टुटे आया सी उनका, भी मारदा कुटदा भी रहा ते गला कुटिया गल च साफा भी पाया। माँ जी मैंने दसो कि जो तुम अपनी बच्ची की हालत देखी है कि उनका बाजू भी टुटिया होया गला गले के निशान ने, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਾ ਦਵਾ ਦਾ ਬੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੀਆਂ 6 ਬੇਟੀਆਂ 2 ਬੇਟੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਦੱਬਿਆ। ਬੇਟਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਦੱਸ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਨਾ ਦੱਸ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਤਾਂ ਸਾਦੀਆ ਦੱਸੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਆਪਕਾ? ਬੋਲ ਦੱਸ ਰ ਪੁੱਤਰ ਦੱਸ ਸਾਦੀਆ छोटी सी बच्ची है मासूम सी और एक जो है ना उसका बेटा है जो कि अभी अपनी नाना और नानी के पास है, उस बच्ची को गला दबाकर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जब इन्होंने रिश्ता किया है तो उसके बाद इनको पता चलता है कि जो इनका दामाद है वो नशा करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस मुआशरे के अंदर गलत बयानी करते हैं, अगर किसी की बेटी का रिश्ता करना हो जो पैसे लेके रिश्ता करवाते हैं वो कहते हैं जी ये तो बहुत अच्छा बंदा था, इसके जैसा इंसान ही कोई नहीं है। जब शादी हो जाती है तो उसके बाद पता चलता है कि उसकी बच्चे की या बेटी की या बेटे की ज़िंदगी तबाह कर दी उन लोगों ने, एक उसका झूठ उसकी सारी ज़िंदगी तबाह कर देता है। वो नशा करने वाला नशेई जो था उसने इनकी बेटी को गला दबा कर बेरहमी से कत्ल कर दिया। उस दरिंदा सिर्फ इंसान ने इतना भी नहीं सोचा कि ये जो दो छोटे बच्चे हैं कल को इनका फ्यूचर क्या होगा, इनको संभालेगा कौन? माँ बाप के बगैर बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, उनका जीना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस माशरे में इतने मुश्किल हालात में हर घर के अंदर जो है ना वो इस तरह के मुश्किल हालात हैं कि दो वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से बनता है जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, लेकिन उस दरिंदा सिफत इंसान ने बेरहमी से उसको कत्ल कर दिया है। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि जिस तरह उस बच्ची का कत्ल किया गया है उसी तरह से अगर कब्र कशाई के बाद मेडिकल की रिपोर्ट ये साबित करती है कि उसको कत्ल किया गया है, उसका गला दबा के उसको मारा गया है, तो उसी तरह से उस इंसान को भी फांसी दी जाए ताकि ये मुआशरा उस इंसान को देखे और गलत काम करने वाले लोग जो हैं इस मेडिकल की रिपोर्ट में डॉक्टर हजरात और जो हमारे आला अफसरान हैं उनसे गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके उस मेडिकल रिपोर्ट को वादा किया जाए और उसकी हकीकत का पता लगाया जाए कि इसकी मौत के पीछे असल हकीकत क्या है।